बैंगलोर ने अपने इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर के लिए जो भेज दिया है कि कॉलिंग आ चुकी है जिनके इंटरव्यूज होने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो उसने इंटरव्यूज लेने वाले हैं, जो कनेक्ट होने वाले हैं 22 अप्रैल, शायद तो 22 अप्रैल के दिन जो इंटरव्यू को कनेक्ट करवाने वाला है उसके उसने लिस्ट भेज दिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास जो कॉल आते हैं कि सर क्या कट ऑफ रही है, इसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दें, इवन हर IITs का और इवन कुछ स्पेशल NITs का भी। तो उसको सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, तो थोड़ा बहुत अभी मनोज सर बताएंगे आपको उसके बारे में। तो बेटा जैसे कि सर ने आपको बताया, IIC ने अपना पहला इंटरव्यू कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया है। कुछ बच्चों का 22 को आया है, कुछ का 21 को आया है, कुछ का 20 को आया है, 19 से बेसिकली उन्होंने स्टार्ट किया है 19th of April से। तो और कुछ ब्रांचेस का डायरेक्ट भी है जिससे इंटरव्यू का कॉल नहीं आया, उसमें आपकी काउंसलिंग टाइप की होगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, ठीक है, स्पॉट भी हो सकती है लास्ट में जाके, ठीक है। तो जो इंटरव्यू के लिए आई है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉल आई है, तो इनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो निम्बस लर्निंग के साथ में। और अगर आप चाहते हो कि मॉक इंटरव्यूज आपके लिए कंडक्ट हो, तो यहाँ पर मैं अपने नंबर, लास्ट तक वीडियो के साथ में बने रहिए, लास्ट में मैं आपको अपने नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, उस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करें, तो वी विल कंडक्ट एंड मॉक इंटरव्यू फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। तो लास्ट ईयर की कुछ कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं। तो ये लास्ट ईयर की ये IIC बैंगलोर की साइट में ये अवेलेबल भी है आपके पास में। तो अगर क्लाइमेट साइंस, तो ये इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच है आपकी, तो क्लाइमेट साइंस में की ये कट ऑफ दी गई है आपके लिए, ओके। सो नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग है, ये अच्छी ब्रांच है EC पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें EC की कट ऑफ जनरल के लिए 750, OBC के लिए 675, EWS के लिए 675 और OBC के लिए 675 और SC के लिए 500, ST के लिए 500 और बाकी PWD जो भी ब्रांच, जो भी कैटेगरी है, SC, ST, PH, इन सब में आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। तो अगर आपका इस रेंज में गेट स्कोर है, या इससे मेरे हिसाब से जो मेरे को आइडिया लग रहा है कि इस साल जो कट ऑफ होगी वो थोड़ा सा कम होगा, क्यों, क्योंकि EC में जो गेट स्कोर है वो थोड़ा सा कम आया है लोगों का रैंक के अकॉर्डिंग, जो लास्ट ईयर थोड़ा सा ज़्यादा था। तो अगर आपके इन कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग हैं तो आप तैयार हो जाइए IIC में सिलेक्शन के लिए। इलेक्ट्रिकल वाले भी इस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, इनकी कट ऑफ भी सेम है लगभग, ठीक है। IN की थोड़ी सी ज़्यादा है, 800, 720, 720, 528। अब सर आपको VLSI के बारे में बताएंगे सर, थोड़ा सा VLSI, जैसे VLSI डिजाइन ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर इसका जो मार्केट के अंदर एक्सपोजर है काफ़ी अच्छा है और इसकी काफ़ी हाई डिमांड रहती है, तो ज़्यादातर लोगों के लिए एक होता है कि VLSI के अंदर उसको ज्वाइन करना होता है। हालांकि ये EC की पे बेस्ड होती है, ऑब्वियसली उसके अंदर जो EDC एनालॉग का जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा काम में आता है, बट इलेक्ट्रिकल वाले भी लेते हैं, उनके लिए आपने देखा होगा स्पेशली बहुत ही हाई कट ऑफ जाती है, मतलब जो कुछ रेयर केस में जो लिया जाता है वो उनकी कट ऑफ जो थी लास्ट ईयर की वो 950 है। जो EC वाले हैं जो इसमें हाई डिमांड होती है, और EC वालों के लिए ये ब्रांच जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसका कट ऑफ जो है आपको दिख रहा है 830 है, जो जनरल की है, और ये जनरल की कट ऑफ है, इसके बाद EWS की उससे कम है, और उसके बाद जो आपको पता है SC ST से लेके आगे OBC वालों का सबकी कट ऑफ आपके सामने है। तो ये है, और ऑब्वियसली अगर आपको स्पेशली आगे फर्दर रिसर्च करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो VLSI फ्रॉम IIC बेंगलोर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। जैसे जनरली हमेशा लोग चूज़ करते हैं, तो VLSI के अंदर IIT बॉम्बे एंड IIC बेंगलोर के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आता है मन में, तो मैं आपको फिर से रेफर कर दूं कि आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए तो IIT बॉम्बे को चूज करना चाहिए, और अगर आपको वास्तव में उसमें रिसर्च करना है, उसमें आपको आगे फर्दर अपने आपको कहीं और अदर बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर स्वीप पे काम करते हुए देखना है आपको, तो आपको फिर पक्के से VLSI डिजाइन के अंदर जाना चाहिए, और EC वालों के लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। जो 830 का जो गेट इसका स्कोर है वो लास्ट ईयर का ये है, और जैसा कि सर ने कहा है इस साल थोड़ा सा कम ही जाना चाहिए, क्योंकि इस बार आपको पता ही है कि इस साल EC वालों के लिए गेट स्कोर कम आया है उनकी रैंक के अकॉर्डिंग। इस बार जो मार्क्स थे वो आपको पता है कि इस बार पेपर का जो भी जिस तरह से लेवल था उस हिसाब से मार्क्स कम आए ओवरऑल गेट के रिजल्ट के अंदर। तो ये कहानी VLSI डिजाइन के लिए। नेक्स्ट जैसे सर बताएंगे आपको, नेक्स्ट ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, जनरली ये मैकेनिकल वाले प्रेफर करते हैं, EC इलेक्ट्रिकल पीपल डोंट प्रेफर इट। तो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा है, तो कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इसमें प्रेफर करता होगा। नेक्स्ट कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस, डाटा साइंस में आप जा सकते हैं, थोड़ी सी डाटा साइंस में की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है,
ठीक है, तो डाटा साइंस में आप जा सकते हैं। आजकल डाटा साइंस पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बिग डेटा वगैरह पे, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो आप ये ब्रांच भी प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपकी जो ईसी की कट ऑफ है दैट इज़ 725 फॉर जनरल, एंड फॉर ईडब्ल्यूई इट इज़ 750, एंड 700 फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी बोथ आर सेम, एंड देन एससी एसटी, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम है। तो अगर आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप ये ब्रांच भी प्रेफर कर सकते हैं। तो डाटा साइंस ऐसा नहीं है कि आपको नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये आप जान लेना कि मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा हो गया, मैट्रिसेस हो गया, इसके क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ तक कि आपसे वहाँ पर कुछ कुछ ब्रांचेस में रिटन टेस्ट भी होगा, तो रिटन टेस्ट के लिए भी आप ये मान के चलें कि मैथ्स के क्वेश्चन या रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे अच्छे खासे पूछने वाले हैं। तो और इंटरव्यू में भी आपसे मैथ्स के लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डिकम्पोजिशंस, ये सब आपके, क्योंकि ये सब इनमें काम है, आप एल्गोरिदम्स बनाओगे, सो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैथमेटिक्स आप अपना स्ट्रॉन्ग जरूर रखें। नेक्स्ट ब्रांच की मैं बात करता हूँ, नैनो साइंस। नैनो साइंस में भी आप जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ईडीसी की तरफ पॉइंट आउट करें, तो नैनो साइंस की कट ऑफ बहुत कम है, 630 फॉर ईसी एंड डबल ई फॉर 750। तो अगर आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप ये ब्रांच भी प्रेफर कर सकते हो, ओके। और जनरल के ओबीसी की 580 है, एससी एसटी की और भी कम है, डबल ई में 700, 650, 600 एंड 700। सो दिस इज द कट ऑफ ऑफ नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग। अर्थ साइंस भी लोग प्रेफर नहीं करते हैं जनरली, और इसमें ईसी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेबल भी नहीं है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच है अगर आपकी रैंक ज़्यादा है। दीज आर द इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस, अगर आप जाना चाहें तो इन ब्रांचेस में भी आप जा सकते हैं, थोड़ा सा नया सीखने को मिलेगा, लेकिन वही है, एक ईसी जो आपने 4 साल इंजीनियरिंग की, आप चाहते हो कि उसी में आगे फर्दर कंटिन्यूशन हो, तो आप वीएलएसआई हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, थोड़ा सा मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इनमें भी आप जा सकते हो, ठीक है। सो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो ये आपकी कट ऑफ दी गई थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी ब्रांचेस की कट ऑफ थी जो यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लीजिए। आईआईटी आईएससी बेंगलोर की साइट पे भी अवेलेबल है। तो मेन मोटिव है इस वीडियो का वो ये है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यूज की, तो हम लोग क्यों सर इंटरव्यू कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, अब हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं और ये जल्दी आपके पास हम लेके आने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन के अंदर ही हम अनाउंस कर देने वाले हैं कि इंटरव्यू की आपकी लाइव तैयारी हम करवाने वाले हैं यहाँ पर। उसका जो तरीका होगा, मोड होगा, वो सारी चीज़ें एक साथ आपको बता दी जाएगी। शायद डायरेक्टर सर आके आपको बता देंगे कि क्या किस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, लेकिन आप लोग गियर में रहिए। जो गेट की प्रिपरेशन चल रही थी आपको, उसको उसी मोमेंटम में रखना जरूरी है वापस, और अगर अभी तक छूट गई थी तो वापस लेके आइए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो सर आपको पता होगा, जैसे भविष्य वगैरह, इन लोगों ने तो अपने आपको मेंटेन करके रखा था, लेकिन कुछ लोगों ने जो है बीच में थोड़ा सा लूज हो गए थे, तो वहां पर उनकी अच्छे गेट स्कोर के बावजूद भी उनकी वो रैंक अच्छी नहीं आई थी। आपको पता ही है जहां इंटरव्यू है वहां 70% और 30% है। इस बार आईआईएससी बेंगलोर ने यह भी निकाल दिया है कि किस किस ब्रांच के वो डायरेक्ट लेने वाला है, और किस किस ब्रांच के लिए वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाने वाला है, और किस किस ब्रांच के अंदर, जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर, वो साथ में रिटर्न भी लेने वाला है। तो जो रिटर्न है उसके अंदर आपको बता दिया सर ने, मैं बता दूं आपको फिर से कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आईआईएससी बेंगलोर के लिए मैथ्स सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, उसके इंटरव्यूज के क्वेश्चन में भी और रिटर्न के क्वेश्चन में भी मैथ्स पूछता ही पूछता है। और ऐसे ही एक्स्ट्रा जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो पर्टिकुलर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो उसके लिए उसने इंटरव्यू के लिए वहां पर अपने डेट्स भेज दिए, लोगों को शेड्यूल्स भेज दिए। तो आपको बता दूं फिर से कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट है ही। सर ने कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी डाले हैं, हमारी सीरीज को आप देखिएगा, इंजीनियर्स एकेडमी चैनल के ऊपर भी हमने डाल रखे हैं, तो वहां पर आप देखिएगा। और साथ ही हम मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाने वाले हैं, जिसके अंदर पूरा एटमॉस्फेयर हम वैसा ही रखेंगे जैसा आपको आईआईएससी बेंगलोर के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल बने रहिए, अपनी तैयारी के साथ पूरे फोकस रहिए, और हम आते हैं आपके साथ इस इंटरव्यू सेशन के अंदर। तो सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारा जो इंटरव्यू का पहला है, इसके स्पेशली फॉर द आईएससी हमने क्या प्लान है, वी आर कंडक्टिंग द मॉक इंटरव्यू बिटवीन द डेट 14th of April to 18th of April, और आपका जो इंटरव्यू की डेट्स दी हैं आईएससी ने, दैट इज़ फ्रॉम 19th of April to 24th या 25th अप्रैल। अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग डेट पर उन्होंने कॉल किया, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को कॉल किया है उन्होंने, क्योंकि जनरली एक इंटरव्यू का जो सेशन होता है लगभग उसमें हाफ एन आवर लगता है आपको
या तो आपका गूगल मीट पे होगा या माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होगा, इन पे आपका इंटरव्यू होगा। तो हम लोग भी उसी हिसाब से प्लान कर रहे हैं, स्पेशली आपकी फैकल्टी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे उन्होंने काम किया होगा तो अच्छी खासी नॉलेज है उनके पास में, तो अगर आप उस नॉलेज को यूज करना चाहते हैं तो मॉक इंटरव्यू जरूर दें। मतलब एक आपका फाइनल इंटरव्यू से पहले एटलीस्ट आपको एक मॉक इंटरव्यू तो देना ही चाहिए, और फर्स्ट मॉक इंटरव्यू बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रॉम इंजीनियर्स एकेडमी टीम से। ओके, तो फर्स्ट मॉक इंटरव्यू आप जरूर दें तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार मैं कहाँ पर ले कर रहा हूँ, और ये इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, एकदम आपके लास्ट स्टेज जो बची है सिलेक्शन की उसके लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 14th of April से 18th of April में आपका भी एक मॉक इंटरव्यू हो जाए तो मैं आपको अपने नंबर शेयर कर देता हूं। सो हियर इज माई नंबर, तो आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और इंटरव्यू का स्लॉट बुक करा सकते हैं 8302241552। जिस भी ब्रांच से, अगर आपको डबल ई से कॉल आया है तो डबल ई के लिए, ईसी से कॉल आया है तो ईसी के लिए, आईएन से कॉल आया है तो भी, क्योंकि ब्रांच स्पेसिफिक आया होगा। अगर आईएन वालों ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग में अप्लाई किया तो बेसिकली क्वेश्चन उनसे इंस्ट्रूमेंटेशन से तो पूछे नहीं जाएंगे, या इलेक्ट्रिकल वालों ने अप्लाई किया तो उनसे पावर सिस्टम मशीन से नहीं पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम गूगल फॉर्म भी एक नीचे फिल करवा देंगे इसी लिंक के अंदर, आप देखिएगा ये जो वीडियो इसके साथ में गूगल फॉर्म भी अटैच होगा, आप अपना जितना इंटरेस्ट शो करेंगे उसी हिसाब से हम इसको और प्लान आउट करते रहेंगे। तो आप प्लीज़ सर के नंबर भी आप उनको सेंड कर सकते हैं, नीचे जो आपको गूगल लिंक मिल जाएगा उसके अंदर भी अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, हम आपका जल्दी से जल्दी आपका उस हिसाब से शेड्यूल तय करके और आपकी इंटरव्यूज कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। जो आईसी बेंगलोर की जो डेट आ गई है उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए और वो मॉक इंटरव्यू जरूर दीजिएगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है। तो थैंक यू। Okay, thank you, मिलते हैं। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.